सोनाक्षी सिन्हा ने जब से बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ शादी की है तभी से वह ट्रोल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर सोनाक्षी को दूसरे धर्म में शादी करने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। दूसरी ओर बिहार में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बेटी और दामाद को मिल रहे इस नफरत पर शत्रुघ्न सिन्हा का रिएक्शन आया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, आनंद बख्शी साहब ने ऐसे प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स के बारे में लिखा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं इसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि कहने वाले अगर बेकार बेकाम काज के हों तो कहना ही काम बन जाता है। मेरी बेटी ने कुछ भी गैरकानूनी या असंवैधानिक नहीं किया है, आगे उन्होंने कहा। शादी दो लोगों के बीच का एक बहुत ही निजी फैसला है, किसी को भी इसमें हस्तक्षेप करने या कमेंट करने का अधिकार नहीं है। मैं सभी प्रोटेस्टर्स से कहता हूँ, जाओ अपनी जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी में कुछ यूजफुल करो और कुछ नहीं कहना है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। हाल ही में बिहार की हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता ने शादी को लव जिहाद से जोड़ते हुए धमकी दी है कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा बेटी की शादी पर दोबारा विचार नहीं करते तो सोनाक्षी को बिहार में नहीं घुसने दिया जाएगा। हाल ही में हिंदू शिव भवानी सेना के सदस्य लव कुमार सिंह उर्फ रुद्र ने एक पोस्टर छपवाया है जिसमें उन्होंने धमकी दी है कि वो सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में घुसने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने सोनाक्षी जहीर की शादी को लव जिहाद से जोड़ा है। पोस्टर में लिखा गया है, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी लव जिहाद को बढ़ावा, पूरे देश का इस्लामीकरण करने की कोशिश, शत्रुघ्न सिन्हा जी शादी के फैसले पर पुनर्विचार करें, नहीं तो अपने बेटों लव कुश और अपने घर रामायणा का नाम तुरंत बदल लें, इससे हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। आगे पोस्टर में लिखा गया है, सोनाक्षी सिन्हा को हिंदू शिव भवानी सेना बिहार में नहीं घुसने देगी। हिंदू धर्म को कमजोर और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सोनाक्षी की शादी मोहब्बत के नाम पर मजहबी साजिश और अवैध धर्मांतरण है, इससे लव जिहाद को बढ़ावा और पूरे देश का इस्लामीकरण करने की कोशिश। बताते चलें कि सोनाक्षी और जहीर की शादी की खबरों के साथ ही ये खबरें भी रही कि एक्ट्रेस शादी के लिए इस्लाम कबूल कर रही हैं। हालांकि जहीर इकबाल के पिता इकबाल रत्नासी ने इन खबरों को अफवाह बताया है। उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि सोनाक्षी शादी के बाद अपना धर्म नहीं बदलेंगी। बताते चलें कि सोनाक्षी ने 23 जून को अपने बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में जहीर इकबाल से सिविल मैरिज की है। इसके बाद कपल ने मुंबई के दादर में स्थित बेस्टियन रेस्टोरेंट में रिसेप्शन रखा था। शादी की डेट 23 जून इसलिए रखी गई थी क्योंकि 7 साल पहले दोनों को प्यार हुआ था। इसका खुलासा सोनाक्षी ने शादी की तस्वीरें शेयर कर किया है। और ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।